ये शहर गुजरात का कमर्शियल हब बनकर उभरेगा। यहाँ बैंक, एजुकेशन हब, होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस बनेंगे। यहाँ इंटरनेशनल कंपनियां भी अपने ऑफिस खोल सकेंगी। जब ये शहर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसमें 5 लाख डायरेक्ट जॉब होंगे, मोस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज में और आईटी, और दूसरे 5 लाख होंगे जिसमें जो जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट जॉब। इसके लिए हम लोगों ने पूरे के सिटी में डेवलपमेंट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैसिलिटी हैं, सभी डेवलप किया है 1 मिलियन जॉब्स के लिए, और विद इन द एरिया करीब करीब 1 लाख आदमी रहेंगे। कमर्शियल के साथ साथ यहाँ रिहायशी टावर भी बनाए जा रहे हैं जिसमें 20,000 फ्लैट्स होंगे। साथ ही 890 एकड़ के इस शहर में सिर्फ 40% भूखंड पर निर्माण होगा, जबकि 60% इलाका ग्रीन एरिया होगा जहाँ पार्क बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि हर एक कंज्यूमर्स, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे यहाँ काम करने वाले हों, उनको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डिटेल्स, उनकी यूटिलिटी पेमेंट, उनको टैक्सी चाहिए या दूसरे से कांटेक्ट करना चाहिए, ये सब हम लोग ऑटोमेशन वेरी इजीली वी कैन मेक इट अवेलेबल। शहर के बीचों बीच एक समृद्धि सरोवर बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बनाने की योजना है। गिफ्ट शहर में मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जा रही है जिसमें एक साथ 60,000 कारों को पार्क किया जा सकता है। कार पार्किंग की बिल्डिंग को शहर की हर एक इमारत से जोड़ा जाएगा। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों के लिए बस और टैक्सी स्टैंड पर कंप्यूटराइज रोड मैप लगाया जाएगा। हर एक इंफॉर्मेशन, आपको कहीं भी दूसरे सिटी में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या कहीं जाना है, उसके लिए 10 जगह आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। उसका रूट नहीं मालूम है, टैक्सी बुकिंग में दिक्कत है, रास्ते मालूम नहीं है, अगर कोई कंजेशन है तो उसको मालूम नहीं, वहाँ जाके पता चलता है कि कंजेशन है। यहाँ हर एक इंफॉर्मेशन आपको स्टार्टिंग के पहले मालूम हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। देश के स्मार्ट सिटी को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। यहाँ 24 घंटे पीने का पानी आएगा, वेस्ट पानी को भी रीयूज किया जाएगा, 24 घंटे बिजली रहेगी, साथ ही सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम होगा। कूड़ा कचरा फेंकने के लिए यहाँ ऑटोमेटेड सर्विस होगी। इसके लिए शहर में एक अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल बनाई जा रही है। बहुत जल्द आने वाले कुछ सालों में ये फाइनेंशियल सिटी पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगी, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि बेंचमार्क है ये सिटी उन नए 100 स्मार्ट शहरों के लिए जो आने वाले